ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये आपके पास थर्ड पार्ट है वेव्स की इसका, और फर्स्ट सेकंड आपके पास लिंक आ गए हैं दोनों, ठीक है। अब ये थर्ड है आपके पास, इसमें मिरर वाली इमेज है। इसमें भी मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टार्टिंग ये सारी इंस्ट्रक्शन शुरू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना टाइम थोड़ा सा सेव करो, उनको छोड़ दो, क्योंकि जो यहाँ पर मैंशन है वो ही आपके पास ड्रॉ हुआ है। पहले आप क्वेश्चन की तरफ जाओ, आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इजिली भी सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसमें देखो, सबसे पहले ये कि मिरर की बात हो रही है। मिरर में आपको पता है लाइट आपके पास इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, सिंपल। एक रे इंसिडेंट होगी, एक रे रिफ्लेक्टेड होगी, सिंपल। अब आगे जाते हैं, इसमें देखते हैं करना क्या है। एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट बी, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 40। डायग्राम में भी देखा आपने, कोई एंगल मेंशन नहीं था, इसका मतलब हमें ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ अ 10 सेंटीमीटर लाइन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है आपने फ्रॉम बी टू द लेफ्ट ऑफ द नॉर्मल। बी से लेफ्ट पर जाना है, मतलब अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। बिलो द मिरर टू रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे। अच्छा इंसिडेंट रे हमसे खुद बनाने को कह रहा है, इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने 40 का है, यानी रूलर प्रोटेक्टर दोनों यूज होंगे। और लेबल द एंड ऑफ द लाइन डी, ठीक है। तो एक लाइन बनानी है 40 डिग्री की और उसको डी से मैंशन करना है, 2 मार्क, सिंपल इस चीज के, ठीक है। एक तो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, 1 मार्क इसका होगा, और दूसरा 40 डिग्री की, 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, दूसरा पॉइंट उसका होगा, ठीक है। अच्छा 40 डिग्री में भी एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 10 सेंटीमीटर कोशिश करूंगा कंप्लीट मेजर करके ड्रॉ कर दूं, ठीक है। क्योंकि 40 डिग्री आप मेजर कर लोगे अब, इतना तो मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो तो आप कर ही सकते हो। तो हम बी के स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट पर जाएंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। ये एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और इसके लास्ट में हमने डी मेंशन करना था, और ये लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, और एंगल नॉर्मल से आपका जो है वो 40 होना चाहिए। ये चीज क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में, तकरीबन 40 के करीब करीब ही होगी। डी से आप मेजर करके देख लेना एक बार, स्क्रीन पॉज करके आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपके पास प्रोटेक्टर इस तरह से रखना होता है कि आपका जो डी है वो इस तरह सेमी सर्कल होगा, और सेंटर में यहाँ पे 90 होगा। 90 से आप 10, 20, 30, 40 डिग्रीज काउंट कर लो, और आपका 40 डिग्री जो है वो आप उसकी लाइन को फॉलो करते हुए डी के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया करो, और फिर डी रिमूव करके उस लाइन को स्ट्रेट कर लो, ठीक है। इस तरह से सिंपल आप मेजर कर सकते हो एंगल, उसमें आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना स्पेसिमेन वीडियो जिसमें देखिए उसमें होगा आपको आइडिया कि कैसे हमने ड्रॉ किया था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अच्छा अब इसमें ये वाले पॉइंट्स को भी फिलहाल अभी रहने देते हैं, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर हम बाकी पार्ट्स को रीड कर लेंगे जो हमें नीड होगी। ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन P3 एंड P4, कंटिन्यू योर लाइन अंटिल इट रीचेस द मिरर। P3 और P4 को ज्वाइन करना है, हमें पता है कि मिरर है, मिरर की आपके पास बैक साइड पे तो इमेज जाएगी नहीं, ठीक है, लेकिन वो हम शो करते हैं एंगल के लिए बस। तो P3 और P4 को ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पास वो ज्वाइन होते हुए बिल्कुल सेंटर पॉइंट बी को टच करेगी, तो ये बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये आ गई सेकंड लाइन, ठीक है। इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं थी, इसके बगैर भी हमने जो है वो अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया। मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्चुअली ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स आप जब थोड़ा बहुत रीड कर लोगे, तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अभी सेकंड पार्ट में क्वेश्चन था, हमने खुद प्लान बताना था, तो वहाँ आपको हेल्प होती है कि किस तरह से आप राइटिंग कर सकते हो, तो इसी को कॉपी पेस्ट करना होता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना है, आप डी से मेजर कर लोगे एंगल, और वो एंगल आपके पास थोड़ा बहुत 40 से डिफरेंट आएगा, क्योंकि पहला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको याद होगा बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल नहीं आया था, उन्होंने रीजन भी पूछा था कि क्यों नहीं आया, तो उसमें हमने बताया था कि प्रोटेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, और नॉर्मल हमारा स्ट्रेट नहीं हो सकता, ट्रेस हमने स्ट्रेट नहीं किया होगा, ये वाला जो भी ग्लास स्लैब या मिरर है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये एंगल आपके पास 42 होगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना आप डी से मेजर करोगे ये तो आपको पता है, वो आप चेक कर लेना। अगर नहीं आता डी से मेजर करना तो आप पूछ लेना, वो भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, चलो एक एंगल चेक करके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट, इसको मैं सेव करके
अच्छा ये वो लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा एंगल किस तरह से होगा। अब ये लेट सपोज हमने इसको 90 पे रखा है, ठीक है। इसको हम रोटेट करके देख लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक लाइन के उस पर रेफरेंस पे रखो। अब ये जिस तरह आपने इसको पर्पल पे रखा, ठीक है। अच्छा अब ये आपको शो कर रहा है 51। अब इसमें आप ये याद रखना कि मैंने रोटेशन कहाँ से की थी, मैंने इसको रोटेट किया है यहाँ से, तो उसने ये वाला एंगल मुझे नोट करके बताया है, ठीक है। हालांकि ये देखो ये लाइन मैंने रफली ड्रॉ की थी, ठीक है, और रफली ड्रॉ करने में भी 40 के बहुत क्लोज है। तो ये एंगल मैंने रोटेशन जो है इसकी एंटी क्लॉकवाइज की, तो ये जो 51 दिखा रहे हैं वो 51 ये बाहर का एंगल है, ये वाला, ये हमने मेजर नहीं करना होता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 51 था तो 40 क्यों लिख दिया, ठीक है। तो 51 का मतलब ये कि 90 माइनस आप 51 कर लोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ ये लाइन मैंने रफ फ्री हैंड ड्रॉ की थी, मेजर नहीं किया था मैंने, ठीक है। और दूसरी तरह भी हम इसको भी मेजर करके देखते हैं कि ये आपके पास ग्रीन लाइन जो है बेसिकली, ठीक है, ये देखो ये 48 बन रहा है। 48 का मतलब है अब मैंने इसको यहाँ से रोटेट करा तो ये 48 बनेगा, ठीक है। तो इसमें से भी हम 90 माइनस 48 कर लेंगे तो ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 42, ठीक है। तो 42 डिग्री इस तरह से मेजर किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि डी से कैसे मेजर करते हैं, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वापसी आते क्वेश्चन पे, तो एंगल हमारा जो है वो 42 हो गया, अभी हमने चेक भी कर लिया। और लास्ट में ये कि पोजीशन वन प्रिकॉशन दैट स्टूडेंट शुड टेक व्हेन पोजीशन द पिंस टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर। पिंस लगाते हुए आपने जो है वो क्या प्रिकॉशन लेना, सबसे सिंपल सी बात है कि पिंस आपकी वर्टिकल हो, वरना वो आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आएंगी तो मैच करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पिंस आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल हो, ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होगी। तो कोई मुश्किल नहीं था, हमने इतनी सारी इंस्ट्रक्शन को नहीं भी फॉलो किया इजीली तब भी आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि उन्होंने तो आपको पूरा प्रॉपर बताना होता है इंस्ट्रक्शन देकर, ताकि कोई ऐसा पार्ट ना हो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, क्योंकि प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते नहीं है, ठीक है। तो अब हमें तो आइडिया होता है कि हमने तो परफॉर्म करवाए भी हैं दूसरे बोर्ड्स में, तो हमें प्रैक्टिकल्स का इनका आइडिया होता है, तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिक्स होती है। आप लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया होता तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होता है ये, तो इसलिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर उसके बगैर भी आप कर रहे हो तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो फॉलो करना, तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास उसमें इंक्लूड है।